नमस्कार, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे इस नए वीडियो में। तो जैसे कि आप सभी आंगनबाड़ी बहनों को पता है कि साल में एक बार विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, तो इस बार आपको कैसे स्तनपान दिवस मनाना है जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। आपको कौन कौन से नियम है जो जिनका पालन करना है, और साथ ही साथ राज्य स्वास्थ्य समिति के तरफ से भी एक लेटर जारी किया गया है। उस लेटर में कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो जैसे कि यहां पे दिनांक दिया गया है 30/7/2021, संचिका संख्या है 3738। इस लेटर को जारी करने वाले हैं नोडल पदाधिकारी पोषण अभियान और ICDS निदेशालय बिहार पटना। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी बिहार, यानी कि पूरे बिहार में इस लेटर को जारी किया गया है और पूरे बिहार में इसको लागू किया गया है। और लेटर का विषय दिया गया है दिनांक 1 से लेकर 7 अगस्त 2021 तक विश्व स्तनपान सप्ताह के आयोजन के संबंध में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर साल 1 से लेकर 7 तारीख के बीच में अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर एक दिन विश्व स्तनपान दिवस को मनाया जाता है। तो इस बार कैसे मनाएंगे, आइए जो इसकी दिशा निर्देश दी गई है जिसकी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लें। महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि बच्चों के समुचित शारीरिक व मानसिक विकास हेतु तथा नवजात शिशुओं में होने वाले मृत्यु दर को एवं बच्चों में होने वाले कुपोषण की दर को कम करने में स्तनपान के महत्व को जनसाधारण तक पहुंचाने हेतु प्रत्येक वर्ष दिनांक 1 से लेकर 7 अगस्त 2021 तक विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है। तो इस कार्यक्रम के अनुसार आपको दिनांक 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त के बीच में अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर एक दिन सभी नवजात शिशु की माताओं को बुलाना है, इकट्ठा करना है। उसके बाद जो कुपोषण से बच्चों की मृत्यु हो रही है उसमें उनको समझाना है कि आप लोग अपने शिशुओं को बोतल वाली दूध ना पिलाएं, खुद का दूध पिलाएं, और जो इससे कुपोषण की दर में कमी आएगी और जो बच्चा होगा वह स्वस्थ और मानसिक तौर पे उसकी वृद्धि होगी। यही सारी जानकारी आपको सभी आम लोगों तक इसको पहुंचाना होता है, किया जाना है। अतः अनुरोध है कि स्तनपान को बढ़ावा दिए जाने हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति से निर्गत पत्र के आलोक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को आशा व ANM से समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम के संचालन में अपेक्षित सहयोग हेतु निर्देशित किया जाए। तो आपको 1 से लेकर 7 के बीच में कार्यक्रम करना है जो कि स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए जोर दिया जाता है इस कार्यक्रम में। तो चलिए मैं जो राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है उसमें जो कुछ मुख्य निर्देश दिए गए हैं कि इस बार आपको कैसे स्तनपान दिवस मनाना है। तो जैसा कि ICDS लेटर के साथ साथ राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की लेटर को भी जारी किया गया है, सभी जिलों एवं प्रखंडों में 1 से 7 अगस्त 2021 तक विश्व स्तनपान सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन करने के संबंध में। तो ये इस लेटर में बहुत सारी जानकारी दी गई है जिसमें कि जो मुख्य जानकारी है जो तो यहाँ पे 6ठे नंबर में दिया गया है, स्तनपान को बढ़ावा दिए जाने हेतु किए जाने वाले प्रचार प्रसार। आपको प्रचार प्रसार कैसे करना है जो कि कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको आप लोग ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आशा ANM एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान अधिक से अधिक माताओं को शिशु के जन्म के 1 घंटे के अंदर स्तनपान करने में माँ की सहायता करना तथा गर्भवती धात्री माताओं को 6 माह तक केवल स्तनपान कराए जाने के महत्व को बताना। दूसरा नंबर पॉइंट दिया गया है, आंगनबाड़ी सेविका एवं आशा अगस्त माह में होने वाले VHSND यानी कि विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन डे में सभी 2 वर्ष तक के बच्चों की माताओं को निमंत्रित करें तथा उनके द्वारा बताई गई इन्फेंट
एंड यंग चाइल्ड फीडिंग IYCF के अभ्यासों तथा उनके बच्चों के पोषण स्तर में हुए सुधार के आधार पर चिन्हित माताओं की प्रशंसा करें तथा संभव हो तो स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के महिला सदस्यों या पदाधिकारियों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाए। तो जो आप लोग अगस्त माह में VHSND कार्यक्रम करती हैं उनमें सभी दो वर्ष के बच्चों की माताओं को बुलाकर और जो पंचायती राज के मुखिया प्रत्याशी या वार्ड प्रत्याशी महिला सदस्य हैं उनको भी बुलाना है उस कार्यक्रम के दिन और उनकी प्रशंसा करना है कि जैसे कि हमने पिछले साल या उससे पिछले साल जो बातें बताई विश्व स्तनपान दिवस में तो उन्होंने उस बातों को ख्याल करा और उसमें जो उनके बच्चे हैं उनके पोषण स्तर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है इसकी प्रशंसा करना है ताकि जो भी और भी महिलाएं आती हैं उस कार्यक्रम में उनको देखकर वो जागरूक हों। और तीसरा पॉइंट है प्रत्येक आशा विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान माँ कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती एवं धात्री माताओं के साथ बैठक कर स्तनपान से होने वाले लाभ व स्तनपान के सही तरीके के संबंध में अवश्य चर्चा करें। और चौथे नंबर में है COVID-19 महामारी के परिप्रेक्ष्य में COVID-19 से संभावित संक्रमित माताओं को चिकित्सक से परामर्श लेने हेतु सलाह दें तथा मास्क का प्रयोग एवं हाथों की साफ सफाई COVID-19 प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल को अपनाते हुए स्तनपान कराने हेतु प्रोत्साहन एवं सुझाव संलग्न दिशा निर्देश चार्ट के अनुसार दिया जाए। तो जो COVID-19 का प्रोटोकॉल है उसके बारे में समझाना है तथा मास्क का प्रयोग एवं हाथों को सैनिटाइज या हाथों को साबुन से धोते रहना है। और सबसे नीचे यहाँ पे दिया गया है उपयुक्त कार्यक्रम का आयोजन COVID-19 महामारी के सुरक्षात्मक प्रोटोकॉल के तहत किया जाना है। तो आप लोग को जो ये कार्यक्रम करना है उसमें COVID-19 का प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना है, मास्क का प्रयोग और हाथों को साफ सफाई करते रहना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारा ये वीडियो आप सभी को पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।